हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बारात पहुँच चुकी है हमारे घर पे, और यहाँ पे विशु और निधि बैठ गए हैं, और यहाँ भी रिसेप्शन होने वाला है। यहाँ पे फोटोशूट वगैरह घर वालों के साथ होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे गांव वाले भी पहुँच चुके हैं, हमारी प्यारी सी निधि जो आई है उसे देखने के लिए। और अभी यहाँ पे जो वहाँ से बराती आए हुए हैं, हमारे यहाँ पौड़ा बोलते हैं, पौड़ा लोगों की खातिरदारी में सब लोग लग गए हैं। और इसके बाद यहाँ भी एक रस्म होने वाली है जिसको कि ससभेट बोलते हैं। और अभी हम लेके जाएंगे निधि को घर के अंदर, और वहाँ पे होगी ये ससभेट वाली रस्म। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे का आगे और क्या क्या होने वाला है। सो गाइज, यहाँ पे ससभेट की रस्म होने स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे ससभेट के साथ साथ यहाँ पे जो दीदियाँ रहती हैं ना, जैसे कि मैं निधि की जेठो होती हूँ, ये हमारी बहू है, तो हम लोग भी इनको गिफ्ट में यहाँ पे कुछ देते हैं। सो यही रस्म यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये भी होता है कि दुल्हन की तरफ से भी कुछ आता है, जैसे कि हम लोग भी गिफ्ट देते हैं, लेकिन दुल्हन भी मतलब साड़ी या सूट या कुछ भी होती है, फाफा वगैरह देती है, रिटर्न भी यहाँ पे मिलता है मतलब। तो ये दोनों तरफ से होता है। सो फर्स्ट बार मैं किसी को कुछ गिफ्ट दे रही हूँ, मतलब ऐसे मैंने किसी को शादी में ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है। तो मैं पहली बार निधि को गिफ्ट दे रही थी, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था अभी। सो गाइस, इन सब के बीच में बताना भूल गई, आज है 16 अक्टूबर और आज है मेरा बर्थडे। सो यहाँ पे बिज्जू और हरी लाई है मेरे लिए केक सरप्राइज। सो अभी हम केक कट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, अब है विशु और निधि की परफॉर्मेंस की बारी। और यहाँ पे होगा कपल डांस, और सब लोग देख रहे हैं किस तरीके से निधि और विशु करेंगे यहाँ पे डांस। तो हम लोग शर्माते शर्माते हमारा विशु परफॉर्मेंस में आ रहा है। Okay.
सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूस डांस चल रहा है और ये लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग गाइज, और ऐसे ही बने रहिए। और भी ब्लॉग मैं यहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ।